हेलो भाई लोग, मैं हूँ गौरव और चलो आज मैं आपको सुपर ल्यूमिनल यानी लाइट के स्पीड से ट्रैवल कराता हूँ। तो बैठो हमारे रॉकेट में जो आपको 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से स्पेस में सफर कराने वाला है। और ये हम चले 30% 60% 90% हमारी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और ये हम रीच कर गए हैं 99.999% लाइट स्पीड। पर ये क्या अमेजिंग, ये देखो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जा रही है क्लॉक स्लो होते जा रहा है और ये रुक गया। तो क्या इसका मतलब है, समय रुक गया? Is it even possible? Well, yes, and that's because of special relativity. Special relativity आपने भी कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे जब आप किसी प्लेन को पास से गुजरते हुए देखते हो तो उसकी स्पीड आपको ज्यादा लगेगी, पर अगर उसी प्लेन को दूर से देखते हो तो वो कंपैरेटिवली स्लो लगेगा। लेकिन लाइट का बिहेवियर ऐसा नहीं होता। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में प्रपोज किया था द थियरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी। उसके हिसाब से स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में सेम ही होता है, चाहे फिर ऑब्जर्वर कितनी भी स्पीड से क्यों नहीं जा रहा हो, यानी ऑब्जर्वर के स्पीड से लाइट को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो क्या टाइम का भी यही केस है? वेल नहीं, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब जितना स्पीड ज्यादा उतना टाइम स्लो। और यहाँ पर तो हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं जिससे टाइम इतना स्लो हो गया है कि जैसे वो रुक ही गया हो। बट टाइम का एक और एक फंडा है, लाइट की स्पीड में ट्रैवल करते समय होने वाला एक इवेंट दो ऑब्जर्वर्स के लिए अलग अलग हो सकता है। और ये कैसे? वेल, समय के फैलाव की वजह से। साइंटिफिक भाषा में बोलूं तो टाइम डायलेशन यानी स्लोइंग डाउन ऑफ क्लॉक, ये एक ऑब्जर्वर द्वारा डिटरमाइन किया जा सकता है जो उस क्लॉक के संबंध में रिलेटिव मोशन में होता है। अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, आसान भाषा में समझाता हूं। ये सोचो कि एक ऑब्जर्वर है जो किसी रुके हुए रॉकेट में है, अचानक से उसके सामने दो स्टार्स एक साथ ब्लास्ट हो रहे हैं, तो उन दो स्टार से निकले हुए रेज उस ऑब्जर्वर तक साइमल्टेनियसली एक साथ पहुंच रहे हैं। पर लाइट की स्पीड पर ट्रैवल करने की वजह से हमारे लिए ये थोड़ा अलग केस है। लाइट की स्पीड के कारण हमारे लिए टाइम स्ट्रेच हो चुका है, यानी वो पूरा इवेंट हमारे लिए खींच चुका है, जिसकी वजह से हमारे लिए वो स्टार पहले ब्लास्ट होगा जो हमारे पास है और दूसरा बाद में। मतलब लाइट की स्पीड पर जाने से हमारे लिए सारे इवेंट्स डिस्टॉर्ट हो गए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। But time is equal to seconds, minutes, days, months, years, and 25 years is equal to my age. तो क्या time slow होने से हमारी aging भी slow होती जाएगी? Well, yes. और वो कैसे? ये आपको एक example के साथ समझना होगा। Proxima Centauri, जो Earth से closest star है, सिर्फ 4.246 light years दूर है। अगर हम उस तक light की speed से जाए, तो पहुंचने के लिए हमें 4.22 years लगेंगे। बट लाइट की स्पीड में एक सेकेंड यानी अर्थ के 19.6 आवर्स, मतलब ये सफर हमारे लिए तो 4 साल का रहेगा, बट तब तक अर्थ पर 30.4 इयर्स बीत चुके होंगे। यानी कि अगर आप 20 साल के हो तो आपके स्पेस पहुंचने पर अर्थ के हिसाब से आप 50 साल मतलब आप रिटायर होने वाली एज में पहुंच जाओगे। और फिर चाहे आपको जिंदगी भर कोई मन पसंदीदा जॉब मिला हो या ना मिला हो, और आपका कल आज से बेहतर हो या ना हो, पर हम यूथ आज को बहुत ही बेहतर तरीके से समझते हैं और हम इस आज में ही अपने करियर को बेहतर कल में अन अकेडमी के री लेवल के साथ बेहतर बना सकते हैं। एंड कमिंग बैक टू आवर स्पेसक्राफ्ट, जिसे आप दो वेज में देख सकते हो। आपके रॉकेट का टाइम नॉर्मल टाइम से 8.53 टाइम्स स्लोअर है, या फिर नॉर्मल टाइम में आप 8.53 टाइम्स डिस्टेंस कवर कर रहे हो, बोथ आर द सेम थिंग। अब चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन लाइट की स्पीड से स्पेस का नजारा कैसे होगा, आइए देखते हैं। सुपर ल्यूमिनल स्पीड से हमारा फील्ड ऑफ विजन ड्रास्टिकली चेंज हो चुका है। वो श्रिंक डाउन होके टाइनी टनल शेप्ड विंडो की तरह हो गया है, जिसे एबरेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब आप स्पीड में गाड़ी चलाते हो तो आपको सिर्फ सामने की चीजें क्लियरली दिखाई देती है और पेरिफेरल विजन की चीजें धुंधली हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही, बट इस बार लाइट के 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड के साथ। इस स्पीड में आपको सामने वाले स्टार्स ब्लू नजर आ रहे हैं, पर उसी जगह पीछे वाले स्टार्स रेड दिखाई दे रहे हैं। तो क्या हमारी आंखें धोखा खा रही है? एक्चुअली में नहीं, ऐसा इसीलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि सामने वाले स्टार्स की लाइट एक साथ जमा होकर हमारी आंखों पर पड़ रही है, जिसे वो स्टार्स ब्लू नजर आ रहे हैं, जबकि पीछे के स्टार्स की लाइट स्प्रेड हो रही है, जिसे एक एक्सट्रीम डॉपलर इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, और नतीजन वो स्टार्स रेड नजर आ रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर हमने रॉकेट की स्पीड सुपर ल्यूमिनल स्पीड से ज्यादा बढ़ाई तो हमारी आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा रहेगा, क्योंकि हम चीजों को तभी देखते हैं जब लाइट किसी पार्टिकल से बाउंस बैक होके हमें दिखाई देती है। बट अब हमारी स्पीड लाइट की स्पीड की जितनी है, जिससे लाइट को रिफ्लेक्ट होने का समय ही नहीं मिलेगा और लाइट की रेंज हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम से बाहर चली जाएगी। अब चाहे हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा हो, बट स्पेस तो एम्प्टी नहीं है, उसमें कई सारे पार्टिकल्स और डीब्रीज है जो हमारे लिए बुलेट से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। बट क्या होगा अगर हमने इन ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए रॉकेट की हेडलाइट चालू कर दी? तो क्या हेडलाइट से निकलती लाइट की स्पीड पे हमारी स्पीड ऐड होने के बाद हम लाइट की स्पीड को मात दे पाएंगे?
ज्यादा दिमाग मत लगाओ क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे मैंने थियरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी में पहले बताया था, लाइट की स्पीड कांस्टेंट ही रहेगी और वो उसके सोर्स के ओरिजिन और स्पीड पे डिपेंड नहीं करती, और इसीलिए चाहे हमारी स्पीड कितनी भी हो उससे हेडलाइट के लाइट को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट ये तो फिर भी कुछ नहीं है, एक शॉकिंग बात बताऊं, अर्थ से हमारा रॉकेट एक नहीं बल्कि दो नजर आएगा। इसको समझने के लिए एज्यूम करो कि हम किसी प्लैनेट पर एक मिशन के लिए जा रहे हैं जिसकी टोटल जर्नी 20 दिन की है और अर्थ के साइंटिस्ट हमें एक पावरफुल सुपर टेलीस्कोप से ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब स्पेसशिप को प्लैनेट तक पहुंचाने के लिए 10 दिन लग रहे हैं और वापस आने के लिए 10 दिन। जैसे स्पेसशिप अपने 5 दिन की जर्नी कंप्लीट करता है तो अब वो अर्थ और उस प्लैनेट के एकदम सेंटर में है, यानी स्पेसशिप से निकले हुए लाइट को अर्थ तक पहुंचने के लिए उतना ही समय लगेगा जितना शिप को उस प्लैनेट पर पहुंचने के लिए लगेगा, यानी पूरे 5 दिन। अब टोटल 10 दिन बाद शिप प्लैनेट पर पहुंच चुका है, बट उसके लाइट को अर्थ पर आने के लिए और 10 दिन लगेंगे। लेकिन जब तक उसकी लाइट अर्थ तक पहुंचेगी तब तक हमारे 20 दिन की जर्नी खत्म हो गई होगी, जिससे अर्थ के साइंटिस्ट को दो स्पेसशिप नजर आएंगे। लेकिन व्हाट इफ वी ब्रेक द स्पीड ऑफ लाइट, क्या होगा अगर हमारे स्पेसशिप ने लाइट की स्पीड को ओवरटेक कर लिया तो? वेल, जवाब बताऊं तो जो स्पेसशिप हमें दो नजर आ रहे थे वो 3 दिखाई देंगे, और ये कैसे होगा ये आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताओगे। खैर, ये तो हुई अर्थ के ऑब्जर्वेशन की बात, लेकिन पता है इस इवेंट में हम क्या एक्सपीरियंस करेंगे? पास्ट को, यस पास्ट, अब फ्यूचर नहीं बल्कि उल्टा ट्रैवल करना शुरू करोगे। तो देखो, अगर आज सन अचानक से गायब हो गया तो ये हमें 8 मिनट बाद समझेगा, क्योंकि उसकी लाइट अर्थ तक पहुंचने में उतना समय लगता है, जिसका मतलब हम सन से 8 मिनट पास्ट वाली लाइट को देख रहे हैं। उसी तरह से अगर हम लाइट की स्पीड से फास्ट ट्रैवल कर रहे होंगे तो हम पास्ट की लाइट के अराउंड आते जाएंगे, जिससे हम यूनिवर्स के ओरिजिन का राज देख सकते हैं, यानी हम देख पाएंगे कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे फॉर्म हुआ, मिल्की वे कैसे फॉर्म हुई, सारे स्टार्स का जन्म कैसे हुआ, यूनिवर्स का सारा मैटर कहां से आया, बट सब कुछ एक रिवर्स मूवी की तरह। वो ये क्या था? ओह, बिग बैंग। अरे, हम तो सिंगुलैरिटी पर पहुंच गए। चलो वापस जाते हैं और इस बार फ्रंट सीट पे बैठकर फोकस करते हैं उन बातों पर जो हम पहले सफर में नहीं देख पाए, यानी अर्थ कैसे फॉर्म हुआ, उसका प्रोग्रेस, फर्स्ट लाइफ का ओरिजिन, डायनासोर्स का दौर, ह्यूमंस कैसे बने, उनका डेवलपमेंट, और इंसानों ने पहला स्पेसक्राफ्ट कैसे बनाया। एंड डन, हमारा सफर समाप्त हुआ। लेकिन वेट, जाने से पहले एक जरूरी सूचना, लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, और इसकी कई सारी वजह है। सबसे पहली है आइंस्टाइन का फेमस इक्वेशन E=mc². इस इक्वेशन के हिसाब से अगर कोई ऑब्जेक्ट 10% लाइट की स्पीड से चलता है तो उसका मास ओरिजिनल मास से 0.5% इंक्रीज होगा, पर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 100% स्पीड ऑफ लाइट की। तो होगा ये कि बढ़ती स्पीड के साथ रॉकेट का मास भी बढ़ेगा और लाइट के स्पीड पर पहुंचने तक वो इन्फिनिट हो जाएगा। इस मास के साथ लाइट की स्पीड को बरकरार रखने के लिए हमें इन्फिनिट एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। लेकिन सिर्फ रॉकेट का ही नहीं, हमारा खुद का मास भी स्पीड के साथ बढ़ जाएगा। तो क्या हम इंसान इतनी स्पीड को एंड्योर कर सकते हैं? ऑब्वियसली नो। द कॉलेज ऑफ वूस्टर के फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी के प्रोफेसर जॉन लिंडर के हिसाब से स्पीड में चेंज मल्टीपल्स ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि जी में एक्सप्रेस किया जाता है। मोस्ट ऑफ ह्यूमंस 4-6 G तक विदस्टैंड कर सकते हैं, और अगर फाइटर पायलट्स की बात करें तो वो 9 G तक मैनेज कर सकते हैं, बट सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए वो भी। लेकिन 6 G के ऊपर एक्सेलरेशन हमारे लिए जानलेवा हो सकता है। इससे एनकाउंटर करने पर शॉक्स, concussions, abrasions, sprains, skin tears or internal organ rupture से लेकर fractured bones, respiratory or circulatory arrest, hemorrhages or organ damage जैसी injuries हो सकती है। मतलब in a way आपका शरीर अंदर ही अंदर implode हो जाएगा। And wait, अभी खत्म नहीं हुआ। Super luminal speed मतलब हम light के functional unit photon के speed में travel कर रहे हैं। और Einstein की theory of relativity के अनुसार everything is relative, even time। Therefore, अगर हम सुपर ल्यूमिनल स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं तो लाइट की किरणें उसी तरह दिखाई देंगी जैसे वो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, यानी फोटॉन्स भी हमारे लिए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की तरह रहेंगे। बट यहाँ पर एक बात शायद आप बोल रहे हो कि अगर सब कुछ एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की तरह है, मतलब एयर भी स्टेशनरी है। स्टेशनरी एयर यानी कि डेंस एयर यानी कि डेंस ऑक्सीजन, और ऐसे में आप ऑक्सीजन को ब्रीथ कैसे करोगे? है ना सोचने वाली बात। इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें लाइट की स्पीड को मैच करने वाली कोई टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी जो बाकी रिसोर्सेज के फंक्शन को भी हमारी स्पीड से मैच करा सके। और ये सब करके अगर हम लाइट की स्पीड अचीव कर भी लेते हैं तो भी एस्ट्रोफिजिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कैनरी आइलैंड के रिसर्चर कार्लोस एलेंड के स्टडी के अनुसार हमें मिल्की वे से निकलने में ही 2 लाख से भी ज्यादा साल लग जाएंगे।
तो पूरे यूनिवर्स की तो बात ही छोड़ दो। Well, but that's a fact, and that's it for today's video. एक लाइक ठोकना अगर आपको वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो, and subscribe for more. Get Set Fly signing off. Take care.